आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। क्या आप सबको मशरूम पसंद है? ऑब्वियसली यार, जितने भी फिटनेस फ्रीक अभी ये देख रहे होंगे उन सबको पता होगा कि मशरूम के अंदर कितना सारा प्रोटीन होता है, कितने सारे विटामिन्स होते हैं। लेकिन क्या हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को ये पता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम की फार्मिंग हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीके से मशरूम की फार्मिंग करने वाला वो इंसान कौन है? उनकी कहानी क्या है? कौन है इंडिया का नंबर वन मशरूम कल्टीवेटर, और वो भी हमारे छत्तीसगढ़ से? क्या आप कभी इस मशरूम के फार्म के अंदर आए हैं? नहीं ना? तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं। तो मशरूम फार्म के अंदर जाने से पहले यहाँ की एंट्री पे आप एक बहुत बड़ा सा मशरूम देखेंगे, जो कि हमेशा सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पर किस चीज की फार्मिंग होती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा स्वागत यहाँ की गर्मा गर्म ऑर्गेनिक चाय से हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चाय ऑर्गेनिक कैसे हो सकती है, क्योंकि चाय को तो उगाया नहीं जा सकता। लेकिन इस चाय में डला हुआ जो दूध है वो इनके खुद की गौशाला से यूज़ हुआ है, और इसमें डले हुए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि अदरक, चाय की पत्ती, तुलसी का पत्ता, ये सारी चीज़ें इनके खुद के फार्म से हैं। तो हुआ ना सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर गेहूँ उबाल के रखे गए हैं। हमारी दीदी ने बताया कि घर जाने से पहले शाम को वो गेहूँ यहाँ पर भिगा के जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह आने के बाद उसे उबाला जाता है। ये मशरूम का बीज यानी मशरूम के स्पॉन बनाने का एक प्राइमरी प्रोसेस है। कटा हुआ पैरा यानी कि कुटी एक प्लास्टिक के बैग में इसकी 5 लेयर्स बनती है, और हर एक लेयर के बाद उसके एज में मशरूम के स्पॉन यानी कि उसके बीज डाले जाते हैं, और 15 से 20 दिन के प्रोसेस के बाद ये बैग कुछ इस तरह का दिखने लगता है। इसकी लेयर बढ़ने लगती है, इसके कलर पीले होने लगते हैं। इसके बाद का जो फाइनल प्रोसेस होता है ये बहुत ही अमेजिंग है, तो हम अब आपको वो दिखाएंगे। तो उसके बाद का ये फाइनल प्रोसेस होता है, जहाँ पर उन बैग्स में मल्टीपल टीयर्स किए जाते हैं ताकि ये मशरूम ग्रो कर सकें, और ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रोसेस है। तो आई एम श्योर आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उस पर्सनालिटी से मिलने के लिए जिन्होंने अपना इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और इस खूबसूरत से फार्म की ओनर मिसेज नम्रता यादव मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं नम्रता यादव छत्तीसगढ़ मशरूम नया रायपुर की संचालक हूं, और विगत 25 वर्षों से हम यहां पर मशरूम के बीज का उत्पादन, मशरूम का उत्पादन करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम फार्मिंग कम्युनिटी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं, और जो सबसे कठिन काम होता है मार्केटिंग भी करते हैं। मैम, मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे क्वेश्चंस करने के लिए, आपसे जो बातचीत मुझे करनी है, जिसके बारे में मैं सोच कर आया हूँ ये सब। तो मैम, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम अपनी बातचीत आगे बढ़ा पाएँ। बिल्कुल बढ़ाइए बात। तो मैम, हर इंसान की लाइफ में एक शुरुआत का पार्ट होता है, जब वो छोटे से बड़ा हो रहा होता है तब वो सोचता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है उनकी लाइफ में कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें कुछ बनना है। तो मैम, वो आपकी लाइफ में कब आया था? स्कूल टाइम से ही मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का लगाव रहा। दूसरा, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, और अब तो और ज़्यादा महसूस करती हूँ कि अपनी पृथ्वी को हमें अच्छा रखना चाहिए। तो ये सारी भावनाएं थी जो मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती थी। धीरे धीरे जब हम पढ़ाई कंप्लीट करते गए, तो पहला ऑप्शन जब हम पढ़ के निकलते हैं तो ज़्यादातर जो हम इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको रहता है कि हमको जॉब चाहिए। तो मैंने IAS की तैयारी की, बहुत कम मार्जिन से मेरा IAS में नहीं हुआ, IFS में भी वैसे ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि बार बार उसके पीछे लगे रहना और समय जाया करना, उससे शायद भगवान मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं। तो थोड़े दिन मैंने टीचिंग की, अपना सब्जेक्ट, मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, तो मैंने अपना सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया। बहुत अच्छा समय गुजरा बच्चों के साथ, स्कूल के भी और कॉलेज के भी।
उसके बाद फिर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का एक कोर्स में सिलेक्शन हुआ भोपाल में। वहाँ मैंने पहली बार मशरूम का प्रोजेक्ट देखा और मेरे पिताजी बचपन से कहा करते थे कि मशरूम ज़रूर खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत होता है और हम इंडियन लोग की डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और स्पेशली जो हम वेजिटेरियन हैं, तो जो मशरूम की खेती है वो एग्रीकल्चर वेस्ट की बहुत अच्छी रिसाइकिलिंग है, तो कहीं ना कहीं हम पृथ्वी की या प्रकृति की मदद भी करते हैं इस काम से, इसको अच्छा रखने में। इस प्रकार मैंने शुरुआत की कि कुछ समाज के लिए अच्छा करूँगी और ईश्वर को जहाँ मुझे पहुँचाना था उनने मुझे पहुँचा ही दिया। मैम, हर किसी की लाइफ में एक इंस्पिरेशन होता है, वो किसी चीज़ को या किसी इंसान को, किसी पर्सनालिटी को देख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसी पर्सनालिटी हमेशा से रही होंगी बचपन से जिनको आप देखती होंगी, आप जिनकी तरह बनना चाहती होंगी या कुछ ऐसा करना चाहती होंगी कि लोग ऐसा समझें कि आप उनकी एक छवि हैं? छवि तो नहीं बन सकते हम किसी की, लेकिन इंदिरा गांधी शुरू से मेरा इंस्पिरेशन रही हैं, जिस तरह से वो जिस बैकग्राउंड से उठी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही और जिस तरह से उनने लीड किया कंट्री को, बहुत इम्प्रेसिव रहा है, देश को बहुत आगे ले गई वो, तो एक महिला हो के इस तरह से जिस तरह से उनने काम किया, तो वो बहुत मुझे क्या बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक शुरू से रहा है। तो कहूँगी मेरा पहला इंस्पिरेशन इंदिरा गांधी ही है, उसके बाद बहुत सारे और भी लोग हैं। मैम, आपकी लाइफ के जो बहुत सारे अलग अलग फेजेस हैं, जैसे कि एक टाइम था जब आप IAS की तैयारी कर रही थी, फिर एक टाइम आया कि जब आप कॉलेज टीचर हुई, फिर एक टाइम आया कि आप एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के लिए गए, फिर आप एक अवार्ड विनर बने और फिर KBC कौन बनेगा करोड़पति आपकी लाइफ में आया, जो ग्लोबली जिसने आपको फेमस किया, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो पूरी दुनिया आपको जानने लगी, तो मैम आपके अलग अलग फेजेस के बारे में कुछ बताइए। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी रही मेरी, हमको स्कूल और कॉलेज और टीचर्स मैं कहूँगी बहुत अच्छे मिले, पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, तो ये सब चीज़ें मदद करती गई, हम आगे बढ़ते गए। जो भी हम पढ़ाई करते हैं बचपन से वो हमें ज़िंदगी में हमेशा काम आती है, इसलिए शिक्षा का महत्व चाहे आज का युवा हो या कोई भी हो, उसको हमेशा शिक्षा अच्छे से लेनी चाहिए, मेरा मानना है। मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि लेबर नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, आप जो भी मेहनत ज़िंदगी में करते हैं वो हमेशा काम आती है, तो जो IAS की तैयारी थी ना होना हमेशा काम आया। उसके बाद जो हमारे और इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, वो जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो काम आता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी मेरी पढ़ाई काम आई, मैंने अपना स्पॉन लैब जो बनाया है टिश्यू कल्चर का, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो मुझे बहुत काम आया वो। KBC में पहुंचना कहूंगी मैं, शुरू में तो भाग्य की बात होती है लेकिन मेहनत भी उसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो मेहनत करते हैं ऑडिशन से लेके आगे तक वो मायने रखती है और वहाँ हमारी शिक्षा बहुत काम आती है। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन हमेशा कहा करते हैं कि ये ज्ञान का खेल है, तो ज्ञान तो ऐसा सीमित है, आप मरते दम तक इस ज्ञान को समेटते रहो और वो हमेशा कम ही पड़ेगा। मैम, जैसे कि आप एक मिडिल क्लास घर से आई हैं, हमेशा से बचपन से आप एक मिडिल क्लास माहौल में पली बड़ी हैं, तो हर मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में जो वो एक बच्चा रहता है और जब वो बड़ा होता है ना, तो उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट आता है कि जब वो कोई भी चीज़ प्लान करने से पहले उसके बैकअप के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या कर पाई तो मैं ये करूँगी, या फिर ये नहीं कर पाई तो मैं वो करूँगी, तो मैम आपकी लाइफ में भी हमेशा बैकअप वाला प्लान, क्या आप ये मानती हैं कि बैकअप रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम हम बोलते हैं इसको। जब मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस से, तो फिर मैं एक काउंसलर के पास गई, उनने मुझे ये चीज़ और अच्छे से समझाई कि हमेशा हमको पढ़ाई ऐसी करना चाहिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो हमें काम आए, तो उनका भी सजेशन था और इसीलिए मैंने MSc केमिस्ट्री किया, क्योंकि हमारा जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट रहता है हमेशा काम आता है। और आज भी मैं देखती हूँ स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री टफ लगता है, और जिस भी स्कूल स्टूडेंट को मैंने चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए गाइड किया, आज वो सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। तो मेरा सब्जेक्ट ही मेरा बैकअप प्लान था कि कभी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा मेरी पढ़ाई मेरे काम आएगी। मैम, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फेजेज़ रहे हैं, इतने सारे डिकेड्स बीत चुके हैं आपके लाइफ के, तो मैम जो अलग अलग तकलीफ़ें आई होंगी उनसे आपका सामना आपने किस तरीके से किया? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी सभी लोगों को कि मैं लाइफ प्रोसेस को तकलीफ़ नहीं मानती हूँ, इट्स अ लाइफ प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स जिसको हम सुख दुख भी कहते हैं, ये सभी की लाइफ में आते हैं, किसी की लाइफ में कभी आते हैं शुरू में, किसी के में बाद में,
हमको उसको फेस करने की तैयारी में रहना चाहिए। सुख में तो सब मजे कर लेते हैं, लेकिन जो ऑड्स में आगे बढ़ जाता है वही सक्सेसफुल है लाइफ में। तो ऑड्स से कभी डरिए मत, ऑड्स सभी की लाइफ में आते हैं और उससे सीखना चाहिए, उस टाइम को हमको पास करना चाहिए पेशेंस के साथ और आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैम, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, और जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, जिसने बहुत सारे अलग अलग काम किए होते हैं, अलग अलग लाइफ का फेस देखा होता है ना, उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि किसी भी काम को करने का एक एटिकेट क्या होता है, एक तरीका क्या होता है, एक डिसिप्लिन क्या होता है। तो आपके हिसाब से भी कोई एक डिसिप्लिन या कोई एक तरीका है होगा जो हर इंसान को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए? बिल्कुल, स्कूल से तो डिसिप्लिन सीखा, मैं NCC कैडेट रही हूँ, MP के बेस्ट कैडेट रही, दिल्ली परेड भी की है और बहुत कुछ सीखना मिला। तो डिसिप्लिन मैंने NCC से भी बहुत सीखा, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से भी डिसिप्लिन सीखा। तो आप सभी के लिए कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, और अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन है एंड वी नो द टाइम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली हम जो भी क्षेत्र में काम करते हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी लीड करते हैं, एंड वी आर हेल्प टू अदर्स ऑल्सो, ये भी एक बात है। मैम, जैसे कि आपकी बोल्डनेस की बात करें, तो जब मेरी आपसे पहले कभी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो आपने मुझे आपके NCC के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था, जिन्हें सुनकर मैं तो बहुत शॉक्ड हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी वो बात सुने। बिल्कुल, जब मैं कॉलेज में थी और रायपुर गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं, हम जब एक बार कैंप में थे मऊ में, NCC जिसको हम लोग प्री RDC कैंप बोलते हैं, उसकी तैयारी कर रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई थी, तो कर्फ्यू लग गया था दंगों के कारण, तो काफ़ी मुश्किल से हम लोग घर वापस आ पाए थे। हमें कुछ दिनों तक खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, बिकॉज कर्फ्यू के कारण सब चीज़ बंद थी। तो हमने देखा था लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कैंप वही लगा था, ये बात है 1985 की, भोपाल में लगा था और भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, आप सभी को पता है, मिग गैस रिलीज हो गई थी अचानक, और हमारा कैंप बिल्कुल उसके बाजू था यूरियन कार्बाइड के। तो जिन बच्चों से, जिन लेडीज से हम सवेरे बात करते थे अपने जॉगिंग के दौरान, उनको हमने तड़पते हुए देखा, उनको हम ब्लाइंड होके घूमते देखे, हमारे साथ के जो कैडेट्स थे वो 100-100 डेड बॉडी एक साथ जलाए। तो ये सब जब फेस किया, घर बड़े मुश्किल से हम वापस आए, वहाँ भी हमें सब्जियाँ या खाना मिलना बंद हो गया, तो लाइफ का इतना बड़ा चैलेंज हमने फेस किया। जब हम दिल्ली गए RDC कैंप में थे, तो हमारे लिए, हम स्पेशली मध्य प्रदेश था तब, मध्य प्रदेश के हम कैडेट्स के लिए पूरे देश के कैडेट्स ताली बजाते थे, इतने डिफ़िकल्ट टाइम में हम लोगों ने वहाँ के लोगों की मदद की। कलेक्टर्स आते थे तब, राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनने सभी ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हमारे साथ सोशल वर्क करिए। तो लाइफ का जो हम ऑड टाइम देखे और उससे निकल के जब हम बाहर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए मजबूर कर देती हैं कि ऑड्स से कभी घबराना नहीं है। ऑड्स आएगा लाइफ में, पर हमें, जिसको हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं आजकल, उसके लिए काफ़ी तैयार रहना चाहिए। NCC ने हमको ये सब सिखाया और ऑड सिचुएशन ने हमको ये सब सिखाया। तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है हमारे यहाँ भी स्कूल्स कॉलेज में NCC बच्चों के लिए कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज कि डिसिप्लिन तो आता ही है, हम ऑड्स को फेस करना सीखते हैं। जो बच्चे कठिन परिस्थिति को फेस करके, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ के साथ हो, वो आगे बढ़ते हैं, वही लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी लाइफ स्टोरीज आप लोगों की देखेंगे। मैम, जैसे कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, अब अपनी लाइफ में एक ऐसी फीलिंग आती है, थकान सी फीलिंग, कि अब मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर सिर्फ अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार को खाना पका कर खिलाऊँ या उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। ऐसा एक टाइम कभी आपने एक्सपीरियंस किया या आपने कभी फील किया है ऐसा? मैं इस फिलॉसफी की हूँ कि बिजनेस विद प्लेजर, मैंने हमेशा अपना काम इन्जॉय किया है और फैमिली को भी टाइम दिया है, जिसको कह सकते हैं पेरेंट्स को भी टाइम दिया। जब फैमिली में कभी कोई हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ आई, उसमें भी मैंने हमेशा कंधा से कंधा मिला के साथ दिया, लेकिन काम अपना कभी नहीं छोड़ा। काम मैं कैरी ऑन करती हूँ, इसमें मैं मशरूम की तारीफ करूँगी। मशरूम हम लोग को एनर्जी ज़्यादा देता है, हमको फिट रखता है और शायद नए नए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो बीइंग अ लेडी, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब ये स्टॉप है, कि मुझे रिलैक्स होना चाहिए।
आई इन्जॉय बोथ, माई होम, माई फ्रेंड सर्कल, माई वर्क और जो भी मेरी फ्रेटर्निटी है मशरूम की. इवन आई इन्जॉय विद द स्टूडेंट्स कमिंग टू माई फार्म. तो लाइफ में हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए एंड फैमिली लाइफ हमेशा चलती ही रहेगी, उसको भी हमेशा टाइम देना चाहिए. एंड सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने को हेल्दी रखने की कोशिश करिए तो हमेशा आप खुश रहोगे. मैम जैसे कि पहले की जो ज़िंदगी होती है, जो आपकी पहले की ज़िंदगी रही है, जब आप कुछ अपनी लाइफ में सिर्फ एक आपको एक थॉट आया था कि आप कुछ करना है, जब आपका कुछ रीच नहीं था लोगों तक, आपकी एक पहुंच नहीं थी कि एक फ़ोन कॉल से ही काम हो जाए या फिर सिर्फ आपके नाम से ही काम हो जाए, और अब की जो एक लाइफ है जहाँ पर आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, कि मतलब अगर कोई आपके पास आता है तो वो एक बहुत वार्म फीलिंग आपको देते हैं या आपकी एक रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैम उस ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में आपको क्या फ़र्क लगता है? जो मेहनत हम उस समय करते हैं वो हमको अभी पे करती है और वो हमेशा बताती है कि आगे भी इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत है. तो जो हमने लोगों से रिलेशंस बनाए, मेहनत की, अपने काम को सस्टेनेबल बनाया, लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये काम को स्थिर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हमारी जो साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी स्पेशली मशरूम के साइंस में, उनके साथ जो रिलेशन डेवलप करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. तो इस तरह से जो हमारी काम की यात्रा थी वो आगे बढ़ी और आज रिलेशंस इतने अच्छे बने हुए हैं कि जो आपने पूछा कि फ़ोन कॉल्स पे काम हो जाते हैं और लोग मदद करते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी समाज में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं तभी हमारे समाज में बहुत सारे बिजनेस हुए या दूसरी चीज़ें अच्छी चलती हैं. बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, तो बी ऑनेस्ट टू योर रिलेशंस, तो डेफिनेटली यू विल ग्रो इन योर बिजनेस एंड इवन यू विल एंजॉय योर लाइफ. मैम अभी तक जितनी भी बातें हुई और जितने भी इंटरव्यूज आपके हुए हैं उसमें मैंने एक चीज़ ध्यान दी है कि हमेशा जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो आपके पहले की लाइफ और आपके बिजनेस या आपके सराउंडिंग्स के ऊपर हुए हैं. लेकिन एक नई चीज़ मेरे ख्याल से हमारे इस कंटेंट में ये होगी कि आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स या ऐसे कुछ चीज़ें जो नई चीज़ें आप अभी करना चाह रही हैं या फिर कर रही हैं, उन पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे. मैं शुरू से ही फार्मिंग कम्युनिटी के साथ बहुत काम करती हूँ. मेरा मानना यह है कि हमारे देश में मशरूम का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए. जनरली मैं देखती हूँ, इसको मैं बहुत ओपनली बोलना चाहूँगी, कि लोग नॉलेज शेयरिंग नहीं करते हैं अपने फील्ड की. मैं शुरू से इस मान्यता की रही हूँ कि हमको हमेशा नॉलेज शेयरिंग करना चाहिए, उससे हमारी भी ग्रोथ होती है और समाज को भी फ़ायदा बहुत होता है. तो आई बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग. मैं फार्मिंग कम्युनिटी के लिए और करना चाहती हूँ कि लोग इस फील्ड को, मशरूम की खेती को अच्छे से समझें, इसको और आगे तक ले जाएं. स्पेशली जो कि फील्ड हमारे यहाँ आज भी रूरल एरियाज़ में रहता है, नेग्लेक्टेड है, जिनके पास नॉलेज नहीं पहुँच पाता है, उनको भी ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले. आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उसके थ्रू मिले या जहाँ हमको फील्ड में जाके बताने की ज़रूरत है. एक चीज़ मेरी इस क्षेत्र पर काम करने की इच्छा है कि मैं फार्मिंग कम्युनिटी को आगे तक ले जाऊँ. दूसरा, जो हम लोग मशरूम प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वालिटी, उसके सीड की क्वालिटी हम इतनी अच्छी पैदा करें कि डेफिनेटली हम इसके एक्सपोर्ट पे जाएं. मेरा पोटेंशियल वहाँ तक देखता है या मेरा विजन है कि हम एक्सपोर्ट पर भी जाएं, ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ को भी हमारा अच्छा प्रोड्यूस हमारी कंट्री का नहीं मिल पाता है वो मिले. एंड थोड़ा मेडिसिनल मशरूम पे मैं काम करना चाहती हूँ. मेडिसिनल मशरूम जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जो मेडिसिनल मशरूम पे बहुत अच्छा काम करती हैं और इसलिए उनके यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बहुत सारी डिजीज़ नहीं होती. तो मशरूम इज़ वेरी हेल्दी फूड, ये संदेश भी मैं देना चाहती हूँ. इट्स एंटी कैंसरस, इट्स एंटी बैक्टीरियल, सम मशरूम्स आर एंटी वायरल. आज कोविड के टाइम हम इतनी खाने की चीज़ों के तरफ ध्यान दे रहे हैं. डेफिनेटली मैंने भी देखा है कि लोग मशरूम ग्रोइंग को भी समझने के लिए आफ्टर कोविड बहुत आ रहे हैं और मार्केट भी इसका इम्प्रूव हुआ है. तो अगर अच्छी चीज़ हमको ईजिली खाने के लिए मिलती है, मशरूम की खेती इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और छोटी जगह में ज़्यादा फसल देने वाली है, यूथ भी इसको काम एजुकेटेड एज वेल एज रूरल यूथ दोनों इस काम को कर सकता है, महिलाएं इस काम को अच्छे से कर सकती हैं. तो इतना अच्छा काम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश में जो बच्चों को माल नरिशमेंट का प्रॉब्लम है, वो माल नरिशमेंट के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मशरूम को
ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसके लिए ज़रूरत है कि गांव-गांव में मशरूम पैदा हो और हमारे हर कम्युनिटी को, हर स्टेटस के लोग को ये खाने के लिए अवेलेबल हो। तो ये मेरा प्रयास पहले भी रहा है और मार्केटिंग भी इसलिए मैंने शुरू से की है कि किसान को बेनिफिट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आज हमारे देश का जो किसान है वो मार्केटिंग नहीं कर पाने के कारण वो ऐसा सोचता है कि मैं अपनी फसल का दाम नहीं पा पाता हूँ। तो मार्केटिंग भी आज इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, किसान को अपने हाथ में लेना चाहिए। मुझे जो पहला नेशनल अवार्ड मिला था उसका मेन रीज़न यही था कि आई एम दैट टाइप ऑफ फार्मर कि आई डू मार्केटिंग माई सेल्फ। और ये मेरा शुरू से काम करने का तरीका रहा है कि अगर मैं इतनी शिक्षित होके मशरूम की खेती का काम कर रही हूँ तो मुझे इसके हर एवेन्यूज़ को देखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाऊँ, और मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी, मेरी बेटी है, मैं चाहती हूँ इस काम को अच्छे से इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करे और इस काम को काफ़ी आगे तक ले जाए। उसका भी ड्रीम है, अगर वो कुछ एंटी कैंसरस वर्क मशरूम के में कर पाए तो वो डेफिनेटली करना चाहेगी, ताकि हम लोग जो बीमारियों से बचना चाहते हैं बचे रहें। मैम, अभी सबसे ज़्यादा यूथ के ऊपर अगर बात करें तो COVID-19 के कारण हमारा यूथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, क्योंकि कुछ लोग बस अपना स्कूल पास आउट करके ये सपने देख रहे थे कि अब हम ये कोर्स करेंगे या फिर इस फील्ड को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, ये इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अपनी सिटी से बाहर जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट हुई। कुछ लोग अपने आगे के जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कुछ एग्ज़ाम्स के प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के कारण आजकल का जो हमारा यूथ है वो डिप्रेसिंग हो चुका है, बहुत हार मान चुका है। कुछ लोग अपना पैशन छोड़कर अर्निंग्स के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें उनका कोई पैशन नहीं है, बस दे आर वर्किंग। तो मैम, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? डेफिनेटली ये समय सबके लिए आया था, पूरे विश्व के लिए आया था। इससे हम लोगों ने उभरे भी हैं, तकलीफें भी झेली हैं, लेकिन अब हमको इस समय को इस तरह से यानी बोलना चाहिए कि हम कोविड का समय का फ़ायदा भी उठाएं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करें। निराश नहीं होना है यूथ को, जो उसका पैशन था उसके लिए वो फिर से रास्ता ढूंढे, आगे बढ़े, कुछ डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जो आपने बैकअप प्लान कहा वो भी वो कर सकते हैं, पर बिल्कुल निराश ना हो। समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, अगर किसी के मन में निराशा है तो उसको दूर करें। डिप्रेशन में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर के अंदर में एक विजडम होता है, उस विजडम को हमको यूज़ करना है। दूसरा, मैं मानती हूँ कि ईश्वर ने सबको बराबर की ताकत दी है, कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो हम सभी उस ताकत को यूज़ करें और जो भी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है उसको समझें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। डेफिनेटली हमारे जैसे लोग आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे कि आप जीवन में कभी निराश ना हो। बी पॉजिटिव इन लाइफ एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू ट्राई टू डू दैट। मैम, हमारा कंटेंट हम यहीं एंड करना चाहेंगे और मैं और मेरी पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगी कि हमने जो सोचा था आपने हमें वो करने दिया, हमें एक सक्सेस मिली है आज, हमें एक अकम्प्लिशमेंट जैसी फीलिंग आ रही है कि आज जो हम करना चाहते थे हमारा पूरा दिन हमने आपके फार्म में बिताया और आपसे जो क्वेश्चंस किए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैम। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड शेयरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे उन्हें भी ये सारी चीज़ें देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मोटिवेट होंगे वो सब। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, और जो भी आप लोग करना चाहते हैं लाइफ में ज़रूर करें। सोसाइटी इज़ देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच मैम।